यह एपिसोड ऑटोमोटिव आफ्टर मार्केट में चल रहे ट्रेंड और सर्विस के तरीकों को देखते हुए बनाया गया है। हेलो दोस्तों, हमसे एक सवाल बार बार पूछा जा रहा था कि साइड स्टैंड सेंसर की वर्किंग और टेस्टिंग के ऊपर जानकारी दीजिए। इसलिए आज हम आपको बताएंगे बजाज पल्सर 125 बाइक में साइड स्टैंड सेंसर की वर्किंग और उसके टेस्टिंग का पूरा प्रोसेस। सबसे पहले इस सेंसर की वर्किंग को समझते हैं। इग्निशन ऑन करने के बाद साइड स्टैंड सेंसर डाउन करने पर डिस्प्ले में एक वार्निंग मैसेज आता है। सेल्फ प्रेस करने पर तो गाड़ी स्टार्ट होती है, लेकिन गियर डालते ही इंजन बंद हो जाता है। ये सेंसर सेफ्टी के लिए दिया गया है, क्योंकि रनिंग कंडीशन में साइड स्टैंड डाउन रहने पर एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। सेंसर की वायरिंग समझने के लिए इस साइड कवर को हटाना होगा। ये है साइड स्टैंड सेंसर का कपलर, जिसमें 3 वायर दिए हैं। रेड वायर से सेंसर में रेफरेंस वोल्टेज आता है, पिंक रेड वायर से स्पीडोमीटर में और पिंक ब्लू वायर से ECU में सिग्नल भेजा जाता है। और इस सेंसर में फॉल्ट आने पर P1505, P1506, P1507 और P1508 ये एरर कोड्स आते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिक एरर कोड्स हैं, यानी सिर्फ बजाज की बाइक्स में आते हैं। अन्य बाइक्स में ये एरर कोड बदल जाएंगे। इन एरर कोड्स के आने पर सबसे पहले हम सेंसर का रेफरेंस वोल्टेज चेक करेंगे, जिसके लिए मल्टीमीटर को 20 वोल्ट DC पर सेट करके उसके रेड प्रोब को सेंसर कपलर के रेड वायर से और ब्लैक प्रोब को बॉडी ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। हमें लगभग 5 वोल्ट की रीडिंग मिलनी चाहिए। रेफरेंस वोल्टेज सही होने पर सेंसर चेक करें, जिसके लिए 5 आसान स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में सेंसर कपलर के कनेक्शन को चेक करें, लूज होने पर इसे टाइट करें। दूसरे स्टेप में इस मैग्नेट और सेंसर के बीच के गैप को चेक और एडजस्ट करें। ये गैप 3 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरे स्टेप में साइड स्टैंड के बैंड होने की जांच करें, बैंड होने पर भी ये गैप बढ़ जाता है। चौथे स्टेप में साइड स्टैंड को अप करके डिस्प्ले से वार्निंग मैसेज जा रही है या नहीं इसे चेक करें। और आखिरी स्टेप में सेंसर के सिग्नल वायर की कंटिन्यूटी चेक करें, क्योंकि इस वायर में कट या शॉर्ट सर्किट होने पर ECU सेंसर से सिग्नल नहीं मिलेगा। कंटिन्यूटी सही ना होने पर वायर को रिप्लेस करें और कंटिन्यूटी होने पर सेंसर को रिप्लेस करें। दोस्तों, कुछ मैकेनिक बाई कपलर में सिंगल वायर या फिर डायोड की मदद से इस सेंसर को बाईपास करते हैं, लेकिन ये एक गलत प्रैक्टिस है। इससे वायरिंग शॉर्ट हो सकती है और तो और ECU भी खराब हो सकता है। इसलिए मैकेनिक टीवी हमेशा ये सलाह देता है कि BS6 टू व्हीलर में किसी भी सेंसर या एक्चुएटर को बाईपास ना करें। तो दोस्तों, साइड स्टैंड सेंसर के बारे में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और कुछ मैकेनिक भाई BS6 गाड़ियों में बार बार उड़ रहे फ्यूज का कारण नहीं जान पा रहे थे, तो हमने उसके ऊपर भी वीडियो बना दिया है, तो वो जरूर देख लें। और हाँ, मैकेनिक टीवी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।